बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों को सामने देख करके। तकरीबन 7 से 8 साल बाद इस तरह का कोई अजीमोशान मुशायरे का इनेकाद किया गया है। और मैं आपको बताऊं, बनारस के मुशायरे मर गए थे। आप देखिए, इंडो पाक मुशायरा मुझे लगता है कि 2011 या 12 में लास्ट हुआ था। उसके बाद बनारस में कहीं मुशायरा नहीं होता था। इस क्षेत्र में तो कभी मुशायरा, मुझे लग रहा है 7-8 साल तो हो गया होगा, क्यों निजाम साहब? 7-8 साल के बाद ये जो दो मजबूत कंधे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके दम पर ये प्रोग्राम आज का खड़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा करके इनको बधाई दीजिए। और देखिए, जब अदब की बात होती है और अदब की महफिल को जिंदा करने की बात हो रही है, तो पीछे वाले लोग खामोशी से बैठे हुए हैं, उनकी तालियां नहीं निकली हैं। आप देखिए, अबू शहमा है, अबू हाशमी है, माफ कीजिएगा, और अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। ये जो दो लोग हैं, इन दोनों को मैं जीता जागता भगवान मानता हूँ। इसलिए भगवान मानता हूँ, क्यों मानता हूँ, सुन लीजिए। पहले, जो जिंदगी देता है वो ऊपर वाला होता है, खुदा होता है, भगवान होता है। भगवान का ही काम है जिंदगी देना, किसी को जीवन दान देना। मरते हुए व्यक्ति को जब उसके घर वाले, जब उसके अपने लोग ब्लड देने से मना कर देते हैं, तो ये लोग खोज खोज करके डोनर लाते हैं। जब ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जब इनको कोई ब्लड देने वाला नहीं मिलता है, तो ये अपना खून देकर के उसकी जान बचाते हैं। ये धरती के जीते जागते देवता हैं। और तालियां आपकी फिर भी कमजोर है, मैं चाहता हूँ जोरदार ताली बजा करके आपके मुशायरों के, जो मुशायरे को जो चलाने वाले लोग हैं, इनका हौसला आप बढ़ाते रहेंगे तो इससे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे। बहरहाल, हमारे सामने बड़े भाई गौरव कपूर जी विराजमान हैं, बनारस की शान है, और पूरे हिंदुस्तान में इस समय एक बहुत ही चर्चित नाम। विपक्ष में अगर कोई दिखाई दे रहा है मुझे, तो एकमात्र आपका नाम दिखाई दे रहा है। शुरू से ही आपका आशीर्वाद मिलता आया है। मित्रों, कविता की बात हो रही थी, तो ये बनारस है, बनारस में बड़े बड़े शायर हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि यहीं से मैं अपनी बात शुरू करूं। बहुत बड़े शायर यहाँ के, आपके मोहल्ले के आदरणीय अहमद आदमी साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। मैं चाहता हूँ अपनी बात शुरू करूँ, और जितने लोग हैं उनके उनका विशेष ध्यान चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। ये बनारस है, यहाँ के लोग, आप देखिए, मोदी जी जब से बनारस के सांसद हुए हैं, तब से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। गोदौलिया चौराहे की घटना है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, लाल बत्ती जल रही थी, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, बोला, ए दादी, तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? अब बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा, ई उम्र सीटी सुने के थोड़े ही है। डेवलपमेंट देखो आप, आप यहाँ के जाम के बारे में क्या कहना बोलू? आप फर्ज कीजिए, आप यहाँ से सब लोग गोदौलिया जाते होंगे, तो मैदागीर से जब आप गोदौलिया की तरफ चढ़ते हैं, तो 1000 आदमी मिलते हैं मुर्दा ले जाते हुए। वो ले जाते हैं कि भैया मणिकर्णिका घाट है, वहाँ फूकेंगे, इसकी मुक्ति हो जाएगी। आप फर्ज कीजिए, आप जाम में फंसे हो और आपके आगे कुछ लोग मुर्दा लेके जा रहे हो, गलती से आपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। बनारसी तुनक मिजाज आदमी जो जवाब देता है, जवाब पसंद आ जाए तो पीछे के लोग खामोशी से ना बैठे। गलती से आपने मुर्दे वालों के पीछे हॉर्न बजा दिया, तो वो मुर्दा फूकने जाता हुआ आदमी पीछे वाला कंधे पे अर्थी लिए लिए पलट के बोलेगा, ऐसे पहले जइबा का है ही ऐसा है। और बनारस की सड़कें, अरे बाप रे बाप, मुझे समझ में नहीं आता, सुन रहे हैं आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आता मैं इनको कहूँ क्या, कि सड़क में गड्ढे हैं
या गड्ढों में सड़क पे अरे इनपे चलो तो मिर्गी उपाद देते हैं। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क पे अरे इनपे अचार देके जो नई चालान नीति लागू हुई है, मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस के लिए 8वां वेतन आयोग का काम कर रही है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क प्यारे इनपे चलो तो मिर्गी उपाद देते हैं। हेलमेट लाइसेंस या हो प्रदूषण कार्ड हर चीज होने पर भी ये छांट देते हैं। सरकारी तंत्र तो है कमियों से भरा हुआ, खामियां बताता हूं तो मुझे डांट देते हैं, लेकिन कोई कमी दिख जाए इन्हें जनता में पुलिस वाले भक्त से चालान काट देते हैं। एकदम विपरीत स्थिति है। मुझे एक बार चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस की मौजूदगी को प्रणाम करता हूँ। पुलिस वाले ने पकड़ लिया भाई साहब, ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि आपका चालान कटेगा, आप बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। मैंने कहा गुरु कितना रुपया लगेगा, कहे 2000 रुपये। मैंने कहा भाई साहब लॉकडाउन चल रहा है, पैसे की बड़ी दिक्कत है, कुछ अगर मैनेज हो तो देख लीजिए। उन्होंने कहा लाओ 500 रुपया निकालो। तो मैंने जैसे तैसे मामला सलटाया, मैं आगे बढ़ने लगा तो मेरे मन में एक शंका आई, मुझे डर लगा भाई यहाँ तो आप छोड़ दिए, अगले चौराहे पे फिर पकड़ लिया तो। बोले कोई बात नहीं, अगले चौराहे पे कोई मिले तो कह देना पेप्सी। मुझे लगा कोई बड़ा मूल मंत्र होगा, मैंने याद कर लिया। मैं गया अगले चौराहे पे, जैसे ही पहुंचा ट्रैफिक पुलिस ने रोका। बस मैंने वो पहले वाले पुलिस के बताए हुए मंत्र को दोहरा दिया, मैंने कहा पेप्सी। बोला जाओ। मैं आगे निकल गया भाई साहब, हर चौराहे पे पेप्सी पेप्सी बोल के पूरा दिन बिना हेलमेट के गाड़ी घुमाता रहा। अगले दिन भी हिम्मत करके निकल गया बिना हेलमेट के, मुझे पता था मैं बोलूंगा पेप्सी छोड़ देगा। अगले दिन फिर उसी पुलिस वाले ने रोका, बोला चालान कटेगा बिना हेलमेट के चल रहे हो। मैंने कहा पेप्सी। बोला फंस गए बेटा, आज का कोड लिमका है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं कसम खा के बताता हूँ, मैंने मोदी जी को वोट दिया है और ये बात गर्व से बोलता हूँ। चैनलों के कार्यक्रम में जाता रहता हूँ अक्सर, तो चैनलों में जो ये बड़े लोग हैं ये लोग जाते हैं तो इनके बुद्धिमता की वजह से बुलाया जाता है कि बहुत विद्वान है इसलिए बुलाया जा रहा है चैनल में। अब मेरे जैसा आदमी मोल्डी भाई अगर चैनल में जाएगा तो ये मान लीजिए आप लोग कि बड़ा सॉलिड जुगाड़ फिट करके गया। तो चैनल से फोन आया, चैनलों के कार्यक्रम करने का मतलब यह है कि एक दिन पहले विषय मिलता है, उस टॉपिक पे कविता करनी होती है। तो मुझे जब चैनल का फोन आया तो कपूर साहब उसने कहा कि रुपया गिर रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा लिख दूंगा, पेमेंट मिलेगा ना? कहा हाँ पेमेंट मिलेगा, लिखिए। मैंने कहा लिख दूंगा। मैं चलने की तैयारी करने लगा, 10 मिनट बाद चैनल का कॉल बैक आता है, बोला दमदार भाई आप बनारस से आते हो, रुपया गिर रहा है इस पर तो लिखना है। थोड़ा सा ख्याल रखना कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा रुपया गिर रहा है इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, जवाब आप तक पहुंचे तो जो खड़े हैं पीछे वाले खामोश मोहल्ला क्यों है भाई आपका? वार्ड नंबर 73 का लग रहा है जैसे पार्षद ही बदल गया है। हाँ खामोश न बैठे, दूर है। अच्छा नहीं तो दूर वालों से ज्यादा खतरा नहीं है, खतरा नजदीक वालों से होता है। तो आप ताली जबरदस्त ठोक सकते हैं। मैंने जवाब देने की कोशिश की कि रुपया गिरा इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? ये मैंने बताने की कोशिश की, सुनिएगा। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है, यहाँ आ नहीं यहाँ ताली बजती है, और यहाँ आप ताली नहीं बजा रहे तो उसमें शंका हो रही है कि आप मोदी जी के पक्ष में रुपया गिरने के पक्ष में सोच करके बैठे हुए हैं। ये गलत बात है, आप हाथ खोल के बैठेंगे तब मुझे आनंद आएगा। और मैं भाई साहब आप लोगों की कसम खा के बता रहा हूँ, यहाँ बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। हाँ सुनिएगा, 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े,
हनीप्रीत जानती है इसके का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? बहरहाल आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं, आपकी दुआएं मिल रही हैं। मैं एक छोटी सी गजल आप लोगों तक पहुंचा करके अपनी जगह लेना चाहता हूं, क्योंकि गजल की महफिल है, अदब की महफिल है, तो कुछ अदबी बात भी होनी चाहिए। मैं गजल का मतला दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि बात आप तक पहुंचेगी, तो इसी तरह से आप दाद देते रहेंगे जैसे दे रहे हैं। सुनिएगा, दूर मतले का शेर सुनिए। अजब ये हाल है यार मोहब्बत करने वालों का, अजब ये हाल है यार मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। अजब ये हाल है यार मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। अजब ये हाल है यार मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। शेर सुनिएगा कि कहां पे किसका दिल नाजुक, यहां पे कौन जाने है। कहां पे किसका दिल नाजुक, यहां पे कौन जाने है। कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कहां पे किसका दिल नाजुक, यहां पे कौन जाने है। कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कभी शीशे से टकरा करके पत्थर टूट जाता है, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है। कभी शीशे से टकरा करके पत्थर टूट जाता है, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है। दो तीन शेर और है, समाप्त फरमाइए। गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आंख खुलती है तो सपना टूट जाता है। गजब है खेल किस्मत का जो चाहो मिल नहीं पाता, हमेशा आंख खुलती है तो सपना टूट जाता है। दीवाने से जुदा होकर दीवानी टूट जाती है, दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता है। दीवाने से दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता है। एक दीवाना बस टूटा तो आके माला पहना दिया। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शायर है, मेरा छोटा भाई है दानिश, और ये सिस्टम के खिलाफ एक भी खराब बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये जब आ रहा था मिर्जापुर से एक बार ट्रेन में बैठ करके, टीटी आ गया टिकट चेक करने के लिए, उसने टीटी को पकड़ लिया, बोला रुको टीटी साहब, बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, बाकी सारी जो तब्दीलियां हुई हैं रेलवे में सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सब सुविधाएं ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारे टॉयलेट में मग्गा बधा रहता है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो कर दो कि मुकाम तक पहुंच सके। वैसे पीटी इससे 10 कदम आगे था, उसने कहा भाई दानिश मग्गा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बधे हो, तुम अपने मुकाम को थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। शायरों के हालात तो ऐसे हैं, एक जगह में शायरी पढ़ने गया तो वहां एक आदमी ने पूछा कि आप शायर हैं, मैंने कहा बिल्कुल, आपको कोई शक है, तो बोले नहीं कोई शक नहीं है, आपके अब्बा भी शायर थे। हम बोले बिल्कुल अब्बा, आप हमारे अब्बा तो हमसे भी बड़े शायर थे। बोले अच्छा, बोले अच्छा उनके अब्बा, हम सोचे इसका पूछ पाएगा, तो हम कहे नहीं हमारे दादा भी बहुत बड़े शायर थे, हमारे अब्बा के जो अब्बा थे वो उनसे भी बड़े शायर थे। बोला अच्छा उनके अब्बा, मैंने कहा यार अब्बा उब्बा तो ठीक है, तू पूछ क्यों रहे हो। बोला नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ बेवकूफी की जड़ आखिर कहाँ तक गई है। अलग हालात है भाई साहब। मैं एक शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा, किसान आंदोलन को ध्यान में रखिए, और एक शेर पढ़ता हूँ सुनिए कि है दरिया आंख में, दीवाने से जुदा होकर दीवानी टूट जाती है, दीवानी से जुदा होकर दीवाना टूट जाता है,
हैदरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, हैदरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। हैदरिया आंख में, यहाँ सब जहीन लोग बैठे हुए हैं, मैं देखना चाहता हूँ ये शेर कितना पहुंचता है आपके पास। हैदरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। और सुनिएगा आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मक्ते का शेर सुन लीजिए, समाप्त फरमाइए कि कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। इबादत हम जहां करते हैं करने दो ये देखा है, इबादत हम जहां, सुनिएगा सिद्दीकी भाई, इबादत हम जहां करते हैं करने दो ये देखा है, यहां तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। इबादत हम जहां करते हैं करने दो ये देखा है, यहां तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। और कभी तो टूट जाता है यहां दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। कभी तो टूट जाता है यहां दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। और आखिरी एक कथा पढ़ करके अपनी जगह लेता हूं, सुनिएगा राज भाई माइक पर खड़े हैं, कुछ ऐलान करना है। अच्छा मैं आखिरी कथा पढ़ के बैठता हूँ। राज सिद्दीकी साहब हैं, इनकी जब शादी हुई तो मैंने पूछा कि भाई कैसा चल रहा है मामला सब। उन्होंने कहा सब ठीक है दलदार भाई, लेकिन यार शादी के बाद बेगम भले ही जन्नत की हूर क्यों ना हो, लेकिन दिल में एक कसक जो रहती है वो कभी नहीं जाती है। मैंने कहा क्या कसक है, तो उन्होंने जो बात बताई वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। राज भाई सुनना। हाँ बोलिए। ये चार मित्र पढ़ता हूँ कि शादी के बाद जो कसक रहती है नौजवानों के दिल में, जो शादीशुदा तमाम लोग हैं उनके लिए उनकी नजर करता हूँ, सुनिएगा। भाई कुछ मेहमान आते रहेंगे, उनकी गुलपोशी होती रहेगी, अपना सब ठीक है। जब शादी के बाद जो मन में कसक रह जाती है मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद बैठता हूँ। सुने कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, याद आ ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तब से मैं यहाँ खड़ा था, आप लोगों ने बड़े मोहब्बतों से सुना और खूब दुआएं दी, खूब दाद दी। ये मैं आखिरी चार मित्रे पढ़ करके बैठ रहा हूँ। इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपकी मोहब्बत आपकी दाद मिलेगी और मैं समेट करके बैठ जाऊंगा। चार मित्रे पढ़ता हूँ, सुने कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। पीछे सुनेगा, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। निजाम भाई, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरी खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मेरी खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी। चौथा मित्रा पढ़ रहा हूँ, चौथा मित्रा पहुंच जाए तो तालियां बजा करके दाद देना भाई। कि ढले जब शाम को बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। दोस्तों जब दमदार बनारसी भाई पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने सिर्फ ये सोचा था कि दमदार